आज अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के युवा जिला अध्यक्ष फैजान सलमानी की अगुवाई में जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से माननीय राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भेजा। इस दौरान फैजान सलमानी ने कहा कि भाजपा पश्चिम बंगाल में अपने कदम न जमा पाने के कारण बौखलाई हुई है, तभी इस तरह के सीबीआई की आड़ लेकर सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। केंद्र सरकार का तानाशाही रवैया किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खासकर हाल ही में तृणमूल कांग्रेस की हुई कोलकाता में ब्रिगेड रैली में भाजपा अध्यक्ष तथा प्रधानमंत्री बौखलाए हुए हैं। इस दौरान ज्ञापन देने वालों में युवा जिला अध्यक्ष फैजान सलमानी, युवा महानगर अध्यक्ष शहजाद शरीफ, महानगर अध्यक्ष प्रेमपाल सिंह, एडवोकेट नईम रजा, पूर्व प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रईस अहमद, मोहम्मद भूरे, नवाब मलिक, असमत अली, शहजाद वारसी, जिशान वारसी, मोहम्मद अजीम, उबेस अलमान आदि लोग मौजूद रहे। जी खासकर कलकत्ता में जो सीबीआई द्वारा कार्रवाई की गई है राजनीतिक दबाव में आकर, खासकर पश्चिम बंगाल की सरकार माननीय ममता दीदी जी को बदनाम करने के लिए, उसको लेकर हमने आज एक जिलाधिकारी महोदय को एक ज्ञापन सौंपा है जो महामहिम राष्ट्रपति जी को भेजा है, जिसमें हमने दर्शाया है कि सीबीआई किसी भी राजनीतिक पार्टी के दबाव में आकर काम ना करे, वो निष्पक्ष जाँच करे, ना कि राजनीतिक पार्टी की तरह काम करे। उसी को लेकर आज हमने एक ज्ञापन सौंपा है और वही भारतीय जनता पार्टी को भी माननीय दीदी से मांगनी होगी कि तरह तरह के उन्हें बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं ये लोग। नहीं, भाजपा की सरकार है, आपको लगता है कि भाजपा की सरकार जो कर रही है वो गलत कर रही है? जी बिल्कुल गलत कर रहे हैं, खासकर जब से बौखलाए हुए हैं, जब से कोलकाता में 19 तारीख की ब्रिगेड रैली हुई है, जब से ये बौखलाए हुए माननीय अमित शाह जी भी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी खासकर बहुत बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं।